दक्षिण इंसाइटर पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को लेकर लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच यह लगभग साफ हो चुका है कि व्हाइट हाउस में जो बाइडेन बैठने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता ने खारिज कर दिया है। खुद ट्रंप अब अपनी हार साफ देखकर खींच उतार रहे हैं और मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास अपनी बात साबित करने के सबूत भी हैं, लेकिन वह कोई सबूत अब तक नहीं दे पाए हैं। उधर अमेरिकी जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और ट्रंप यू आर फायर्ड के बैनर लहरा रही है। यही नहीं, ट्रंप की अपनी पार्टी के नेता भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। इस बीच अमेरिकी चुनाव के नतीजों में आने में लग रहे समय पर राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि लोकतंत्र कई बार उलझावपूर्ण हो जाता है और धैर्य रखने की जरूरत होती है। बाइडेन ने अमेरिकियों से मतों की गिनती पूरी होने तक शांत रहने और धैर्य पूर्वक इंतजार करने की अपील की है। अमेरिका में अब तक चुनावी नतीजों पर ट्रंप ने उठाए सवाल, ट्वीट में लिखा धोखाधड़ी रोको। ट्रंप ने कहा इस धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ेंगे, जनता नहीं करेगी माफ। गिनती में धांधली के ट्रंप के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने माना आधारहीन। ट्रंप के आरोपों पर बाइडेन का जवाब, एक एक वोटों की होगी गिनती, कहा उनकी जीत में कोई शक नहीं। जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे बाइडेन ने कहा डेमोक्रेट की तरह लड़ा राष्ट्रपति की तरह करूंगा का।